करूं यार, फंसती जा रही हूँ। इतना अच्छा प्लान बनाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज अच्छा खासा ये केस दबने जा रहा है, तो फिर भी मीडिया को चैन नहीं है। मतलब पहले तो इन्होंने जनते ही की सुसाइड है केस दबा दिया, इतना ज्यादा कि एक वीडियो तक उसके लिए कभी नहीं बनाई, और अचानक से इनके सर पे भूत चढ़ गया, जमीन कोई न्यूज नहीं मिली। तो सुशांत सिंह ये, सुशांत सिंह वो, खम्मे खाम, मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीबीआई जांच हो रही है यार, वो तो मेरा पानी तक सींच लेंगे। बॉस को फोन करूं क्या? पर उसने मना किया था कि जब तक जांच है तो फोन नहीं करना, लेकिन कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैसे भी मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, ऐसे थोड़े ना हाथ आने वाली हूँ। एक काम करती हूँ, फोन ही करती हूँ। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है काम के टाइम। थोड़ा सा इमोशनल टच इस पे किया जाए और उसे दिखाया जाए कि मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। वैसे भी मैंने डाइटिंग कर करके अपना फेस पिचका लिया और दर बाहर कर लिए हैं, तो मतलब इससे मैं बिल्कुल लग रही हूँ बेचारी। चलो चलो फोन करती हूँ। उठा ले, कहाँ मर गया। हेलो, हाँ बॉस, हाँ मैं रिया बोल रही हूँ। अच्छा, पहचान लिया। हाँ वैसे भी आजकल मुझे सभी जानते हैं। नहीं, मेरे कर्मों की वजह से नहीं बॉस, मतलब आपको तो पता ही है मैं तो कितनी सीधी हूँ, मैं तो कभी कुछ करा ही नहीं। हाँ, मैं ऐसे बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं, मैं तो बस, मुझसे तो बस हो जाता है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। हाँ तो बॉस, ये सीबीआई जांच सबको अपने कब्जे में ले लिया, इसे भी ले लो ना। हाँ देखो, बात है ऐसी, मैं फंसी तो फंसी, लेकिन मेरे साथ में कितने फंसेंगे ये भी आपको पता है। अरे बॉस, आप क्या सोच रहे हो, जब सीबीआई के डंडे मेरे पे पड़ेंगे तो मैं क्या चुप रहूंगी? वैसे तो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल है, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, इतना आसान नहीं है मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना, लेकिन फिर भी बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो फंसी जा रही हूँ, फंसी जा रही हूँ। बॉस देखो, हमारी जनता है इमोशनली फूल। हाँ, वही जनता जिसे कभी सुशांत सिंह राजपूत की कोई चिंता नहीं हुई। इतने लोग मर गए, हमने भी सोचा कि ये भी इसी तरीके से दब जाएगा। इतने सेलिब्रिटी मरते हैं आत्महत्या करके, किसी का कुछ होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पीछे सभी पड़ गए हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? बस पता ही नहीं क्यों, इनको पता ही नहीं क्या पड़ गया है। सब मरते हैं, इनको इतनी चिंता नहीं होती। पहले भी इतने केस दबे हैं ना, इसको भी मैंने सोचा दब जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था इस तरह मैं फंसूंगी। और वैसे भी सब प्लानिंग हमारी सबकी मिली भगत थी। हाँ, वो गधे सब जाके उससे मिल गए, सब बक रहे हैं। मुझे अब डर है कहीं मैं बक ना दूं। वैसे तो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, मेरे मुंह से इतना जल्दी निकलवाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं मेरे भी डंडे डुंडे पड़ गए, जो कि इतना आसान नहीं है मुझे पीटना। मैं इमोशनल अत्याचार बहुत अच्छा कर सकती हूँ, भले ही मुझे आज तक कोई मूवी ढंग की ना मिली हो, एक मूवी मिलकर मेरा पत्ता कट कर दिया गया हो, लेकिन मैंने अच्छा काम तो किया। मैंने सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया जिससे कि मैं मूवीज में आ सकूँ, मेरा भी नाम हो सके। लेकिन जब उसके पास धन दौलत मुझे दिखी और मुझे लगा कि चलो भैया धन दौलत ही चूस लें, तो मैं चूसने में लग गई। लेकिन उसमें भी जब मुझे लगा कि भैया खत्म होने वाली है, और वो कहने था कि मैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब कोई इतना स्टार्डम छोड़ता है क्या, तो मुझे लगा मुझे किस काम का। वैसे भी ये जनता जो आज के टाइम में सर पर चढ़ा के रखा है उसको, उसे कभी जिंदा रहते पूछा? उसने इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई, उसे कभी पूछा? उसकी वीडियो मूवीज देखने के लिए गए कभी? ये जाके वहां तक झांकते नहीं थे, मूवीज चलती थी फिर भी उसे अवार्ड नहीं मिलते थे। ये लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये फिर भी सेलिब्रिटी को अवार्ड मिल रहा है। ऐसा ये जो आजकल की ये नौटंकियां हैं ना, ये आए सब हुए हैं, इनके बच्चे हैं ये पहले एक्टर्स के, इनके बच्चे आते हैं, इनको अवार्ड मिलते हैं, कुछ करते नहीं है, और फिर भी लोग कुछ नहीं कहते, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। पर इनको तब कोई चिंता नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज के टाइम में जब देखो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, अरे ऐसे कैसे जस्टिस? जब तक जो इंसान होता है उसकी कदर नहीं होती है, जब वो चला गया तो उसको बस ऐसे सोच के बैठे हैं कि वो क्यों चला गया। अरे भैया चला गया तो चला गया। अब ये लोग इतना उसको जितना आज उसको वैल्यू दे रहे हैं, अगर वो पहले ही उसके कामों को वैल्यू दे देते तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही थी उसके धन को छोड़ने की, उसको छोड़ने की। अरे मैं तो चूसती रहती, धन धन चूसती रहती मैं। अब बताओ मैं क्या करूं। हाँ ऐसा ही मेरे दिमाग में आया था जब मैंने पहले वो एक्टिंग करी थी ना। हाँ वही जो आपने मुझे सफेद कपड़े पहन के कहा था। अरे मेरे पास सफेद कपड़े खत्म हो गए हैं, मैं इतनी दुखी नहीं रहती जितनी मुझे रहना पड़ा। कितने तो सफेद कपड़े यूज कर लिए मैंने। ठीक है, मैं घर के कपड़े पहन के चली जाऊंगी, बेचारी दिखूंगी। हाँ बिल्कुल, कोई ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, एकदम लाचार सी दिखूंगी। ठीक है, अच्छा
हाँ बिल्कुल रोऊंगी। हाँ एक काम और करती हूँ, मैं ना सारा ठीक रहा ना सुशांत के ऊपर फोड़ देती हूँ। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, कौन सा वो अपना बताने के लिए आ रहा है। पहले भी लोगों पे इतने इंजाम लगे हैं, लोग सोचेंगे कि ठीक है उसने किया होगा। अरे भैया इतनी जनता है, 100 लोगों में से अगर 50 लोग भी बेवकूफ़ बने हमारे उसमें से इमोशनल अत्याचार से, तो हमारा तो काम हो जाएगा, हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। और आपने एक काम और करना, आप ना अपनी पीआर टीम को ना बिल्कुल एक्टिवेट कर दो, वो मेरे लिए वीडियो बनाए, मेरे लिए सपोर्ट में आए, मेरे लिए वो ट्वीट करे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ना मैं एक काम और करती हूँ, मैं उसकी फैमिली को भी फंसा देती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं फंसा सकती हूँ कि नहीं फंसा सकती? हाँ हाँ मैं उसकी फैमिली को भी फंसा सकती हूँ। अरे मेरे मोहल्ले के कुत्तों को पता चल गया होगा अंदर मैं रहती हूँ, इसलिए तो भौंक रहे हैं, छोड़ो उन्हें आप। हाँ मैं उसकी फैमिली को भी फंसा देती हूँ, उसे भी फंसा देती हूँ, और वो जो अंकिता उसकी गर्लफ्रेंड है ना उसको भी फंसा देती हूँ। मैं ना सबको ठीक रहे में लेके भरती हूँ। और इमोशनल अत्याचार तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, ऐसा कर सकती हूँ ना, बाई गॉड अपने निकले हुए दांत दिखा के, मतलब जो कि आजकल निकल गए हैं, पहले नहीं दिखते थे। हाँ सूख तो मैं बिल्कुल गई हूँ, आपने कहा था ना मुझे पतली हो जाओ जिससे लोगों को लगे कि कितनी लाचार है, बिल्कुल मैं सूख गई हूँ, मेरा गोल से फेस बिल्कुल चकोर हो गया है, इतनी सूख गई हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इमोशनल अत्याचार करूंगी वहां पे, ये दिखाऊंगी कि मैं बीमार थी, मैं बहुत बीमार थी, बल्कि मैं नहीं थी, मैं तो खुश थी। अरे वो ट्वीट कभी देखा जाएगा, कह दूंगी वो तो किसी और ने मेरी वीडियो डाल दी थी ऐसे। हाँ हाँ वही फोटो डाल दी थी, किसी और ने डाल दी थी, मैंने थोड़ा कुछ किया। मैं कह दूंगी मैं तो बीमार थी, मुझे कुछ नहीं पता था, सुशांत मेरे से बात नहीं करता था, मुझे बीमार थी, मुझे छोड़ के भाग गया था वो, मुझे एकदम घर से निकाल दिया था। लोग सोचेंगे बेचारी ये बीमार थी, जब वो बीमार था तो इसने सेवा की, लेकिन जब इसका टाइम आया तो वो भाग गई। बिल्कुल ऐसा करूंगी, थैंक यू बॉस। हाँ 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 बस इस मामले को ना आप कुछ दबा दो, बस 10-15 दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से देश से बाहर चंपत। पैसे तो मैंने बहुत जोड़ी लिए हैं बॉस, और आप तो मेरी मदद करोगे, देख लो मैं नाम उगल दूंगी अगर मैं फंसी तो। हाँ 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 पैसे मैंने खूब जोड़ लिए हैं, मैं देश से बाहर भाग जाऊंगी। हाँ अपने चंपू से भाई को लेकर भाग जाऊंगी, मम्मी पापा को भी लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो मैं अपनी फैमिली के साथ भाग जाऊंगी देश से बाहर, और फिर हाथ नहीं आऊंगी किसी के। हाँ हाँ अरे टेंशन मत लो, नौटंकी करने में तो नंबर 1 हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ थैंक यू बॉस। हाँ ठीक है, बुड्ढा कितनी अच्छी अच्छी एडवाइस देता है, मैं गुस्से क्यों लग रही हूँ, दिखना तो मुझे बुरा चाहिए। हाय ये वही है ना जो मैंने लूटे हुए थे, बाद में पहनूंगी, अभी तो मैं बिल्कुल सीधी दिख जाऊँ। हाँ हाँ ऐसे चंपू वाले हेयर स्टाइल करके जाऊँगी, मेकअप भी नहीं करूँगी, मेरी त्वचा इतनी खिली खिली है। हाँ ये उसी फेशियल का कमाल है, उसी का निकाल दो निकाल दो, सब निकाल दो। अरे पतली हो गई हूँ पर पीछे चुड़ी फंसी जा रही है, अब क्या करूँ, अब एक अच्छी सी मीडिया वाले को फंसाना पड़ेगा, फिर एक हाँ रोने वाला इंटरव्यू, उसको पहले ही स्क्रिप्ट दे दूंगी मुझे क्या क्या बोलना है, उसे कहूँगी क्रोश।